हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और आप लोग को पता है आपके टेस्ट था, फेयरली एग्जाम कुछ स्कूल में भी बचे हुए हैं, वो चल रहे हैं और कुछ के हो भी चुके हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब आप पढ़ना शुरू करोगे अभी आपके प्री बोर्ड भी आ जाएंगे और कई चीज़ें आपने फेस की होंगी अपने इस हाफ ईयरली एग्जाम के ड्यूरेशन में। तो आपने देखा होगा कि आप टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहे होगे क्योंकि आपने टेस्ट प्रॉपर नहीं दिए होंगे। तो आपको एक स्पेसिफिक टेस्ट चाहिए जो कोई आपको ये बता पाए कि यार ये पेपर आपको कितने मिनट में करना है, जिससे कि आपका टाइम सेव हो पाए पेपर में। और अब आपको वही चीज़ की मेरी प्लानिंग है, तो आपके लिए एक टेस्ट सीरीज लॉन्च मैंने की है। इस टेस्ट सीरीज को कैसे एक्सेस करना है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी A4S डाउट इंजन की, उस पर क्लिक कर देना। वहां से आपको कैसे क्या क्या करना है मैं बता देता हूँ। जैसे आप क्लिक करोगे तो आप टेलीग्राम पे पहुंच जाओगे। अगर आप टेलीग्राम पे हैं, जानते हो टेलीग्राम क्या है, तो A4S डाउट इंजन सर्च कर लेना, उसमें डायरेक्ट भी आपको मिल जाएगा। फिर यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा क्लास 10 का, क्लास 10 पे क्लिक करना तो बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। जैसे स्क्रॉल करोगे तो नीचे लिखा होगा टेस्ट सीरीज, टेस्ट सीरीज पे क्लिक करना तो जितने भी चैप्टर्स हैं, ठीक है, जैसे रियल नंबर है, पॉलिनोमियल है, तो मान लो आपको रियल नंबर की प्रैक्टिस करनी है तो रियल नंबर पे क्लिक करा। इसमें लिखा रियल नंबर टेस्ट 1, टेस्ट 1 पे क्लिक कर देना। देखिए यहाँ पे लिंक आ जाएगी, टेस्ट लिंक, और इसके सॉल्यूशन भी अवेलेबल है। यानी कि अगर आपने टेस्ट दे दिया, अब आपको चेक करना है कि आपके कितने क्वेश्चन सही हैं, जिनमें आप श्योर हो तो ठीक है, बाकी जिसमें लगता है कि डाउट है उसको आप चेक भी कर सकते हो सही आया नहीं आया। और टेस्ट जैसे ही आप ओपन करोगे तो यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको एक लिंक यहाँ पे मिल जाएगी, जो PDF फाइल है जिसको आप डाउनलोड कर सकते हो इजीली। तो यहाँ पे आप देख रहे हो 15 मार्क्स का पेपर है और 30 मिनट्स में करना है, और साथ के साथ मेंशन भी है कि ये वाला क्वेश्चन 1 नंबर का है, ये 1 नंबर का है, ये 4 नंबर का है, ये सारी चीजें इसमें मेंशन है। इससे फायदा ये होगा आपका, इससे फायदा ये हो जाएगा कि आपको एक तो पता है कि 30 मिनट में करना है। और मैंने 30 मिनट का इसलिए रखा है ये पहला पेपर, जिससे कि होगा ये कि यार अभी आपको पता है स्कूल के टेस्ट भी चल रहे हैं, सिलेबस भी करना है, तो 3-3 घंटे का पेपर आप नहीं दे सकते हो। तो अभी आप 30-30 मिनट्स छोटे छोटे काम करना शुरू करिए कि चलो यार प्लान बनाओ, आज संडे है, चलो संडे को आज मैं एक पेपर सॉल्व करूंगा 30 मिनट्स में। टाइमर सेट कर लो, बैठ जाओ, एक पेपर निकाल लो, प्रिंट आउट निकाल लो, या मोबाइल से करो तो मोबाइल से कर लो, बाकी चीजें ऑफ कर दो और पेपर करना शुरू कर दो। फिर उस पेपर को करने के बाद आपको एक चीज जरूर करनी है, चेक जरूर कर लेना है वीडियो सॉल्यूशन। हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन दे रखा है, जितने भी क्वेश्चन होंगे, मान लो 6 क्वेश्चन है, 7 क्वेश्चन है, हर क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन एक बार चेक कर लेना कि तुमने सही किया है, सही अप्रोच से करा है, क्या है, तो वो चीज मार्क कर लो। मान लो 15 नंबर का है और 15 नंबर में तुमने कितने लाए हो, तुम 9 नंबर लाए हो, 10 नंबर लाए हो, वो चीज मेंशन कर लो, जिससे कि, और ये सारे टेस्ट पेपर कहीं सेव करके रख लो कि भाई तुमने पहला टेस्ट दिया था जिसमें तुम्हारे 9 नंबर थे, फिर टेस्ट दिए तुम्हारे 12 नंबर हुए, तो क्या इंप्रूव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ऐसे कर करके अपने पास रखते जाओ, ये तुम्हारी परफॉर्मेंस को जरूर इंप्रूव करेंगे। तो इसका पर्पस सिंपली इतना ही था, एक तो एनालिसिस कर पाओ अपनी कि भाई तुम्हारी तुमने मान लो रियल नंबर पढ़ लिया तो कितना स्कोर कर रहे हो 15 में, ठीक है, और लेटेस्ट सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं पहले बता देता हूँ। टाइम मैनेजमेंट कर पाओगे, मान लो 30 मिनट अगर लिखा है उसमें तो आपको 30 मिनट में ही ट्राई करना है, ये नहीं अपना सोच रहे हो तो उसी दायरे में रह के करना है। नेक्स्ट है चेक योर स्कोर, अपना स्कोर जरूर चेक करना है कि भाई तुमने कितना स्कोर किया, ये नहीं टेस्ट दे दिया अब पता ही नहीं है, तो सॉल्यूशन समझ के देख लो कि तुमने सही किया, सही निकाला नहीं निकाला, सारी चीज चेक कर लो, स्कोर मेंशन कर दो। और सबसे बड़ी चीज है इंप्रूव योर परफॉर्मेंस, जब बार बार तुम टेस्ट दोगे तो डेफिनेटली, मान लो तुम पहले टेस्ट में 10 ला रहे हो यानी कम नंबर आए, फिर से पढ़ो उस चैप्टर को, फिर दोबारा टेस्ट देखो, और अभी फ्यूचर में और भी टेस्ट अपलोड हो जाएंगे। तो लेकिन ये है कि अभी आपके लिए फर्स्ट राउंड में अगर मैं बात करूँ तो आपके पास इतने टेस्ट अवेलेबल हैं जिसमें आप आराम से अभी 1 महीने 15 दिन आराम से प्रैक्टिस कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें, तो अब पहली चीज़ तो ये, आपका फीडबैक हमेशा की तरह मैं जानना चाहूँगा, ये सुन के आपको कैसा लगा, ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है हमेशा की तरह हर चीज़, लेकिन क्वालिटी के साथ है। मैं हमेशा बोलता हूँ कि इस चैनल का पर्पज है क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड करना। एक चीज़ मेरी आपसे और रिक्वेस्ट है, इंस्टाग्राम पे अगर जैसे मान लो आपको ये जो A4S डाउट इंजन है जिस पर बहुत सारी चीज़ें हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं, बहुत सारी चीज़ें, आप लोग जो भी चीज यूज कर रहे हो, मान लो आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यूज कर रहे हो, आप PY की यूज कर रहे हो या आप टेस्ट सीरीज यूज कर रहे हो, उसका एक छोटा सा वीडियो बना के अपने स्टोरी में डाल दिया, वो स्टोरी मुझसे शेयर करो, मैं देखूं इस स्टोरी को, तो उससे मुझे पता लगे कि यार हाँ तुम लोगों के लिए काम आ रही है चीजें, ये चीज बढ़िया हो रही है। या अगर आप स्टोरी पे नहीं डाल रहे तो अपने अपना एक वीडियो छोटा सा बना के मुझे मैसेज कर सकते हो, अपना वीडियो छोटा सा, जिसे मैं, क्योंकि देखो मेरे लिए मोटिवेशन क्या है, आपको पता है पैसा तो यहाँ से आ नहीं रहा है इस चीज से कि भाई तुम्हें टेस्ट सीरीज दी हो, 50 रुपीज लिया हो सर, तो मुझे तो कुछ नहीं मिलना। लेकिन ये कि अगर आप जब इस तरीके का फीडबैक मुझे शेयर करोगे, ठीक है, बाकी तो कमेंट सेक्शन भर देना तुम अपना एक्सपीरियंस कि तुम्हें कैसा लग रहा है, लेकिन जब तुम ये वीडियो मुझे भेजोगे, अपनी चीजों को भेजोगे, मुझे अच्छा लगेगा कि हाँ यार, क्योंकि लास्ट के बच्चे क्या करते थे, बुक का PDF निकाल लेते थे, मुझे भेजते थे PDF, तो मुझे फील आता था अच्छा PDF बना के बच्चे यूज कर रहे हैं,
तब एक्चुअल में पता लगता है कि आपकी चीजों का कितना यूज हो रहा है। तो प्लीज मुझसे जरूर शेयर करें, बाकी कमेंट सेक्शन में भी लिख देना कि कैसे आप यूज कर रहे हो, जिससे मुझे और चीजों में आपके लिए जो बेटर से बेटर करना है वो करता रहूं आपके लिए ऐसी। और साथ के साथ आज रात में 8 बजे, 8 बजे आपका ट्रिग्नोमेट्री के टॉप 25 क्वेश्चंस करने वाले हैं, इसकी भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा। सब बच्चे आ जाना 8 बजे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखें, पढ़ाई करते रहें। लास्ट में एक ही बात बोलूंगा कि आप सभी सफल हों। धन्यवाद।